हेलो फ्रेंड्स, आज वीडियो के पार्ट 4 पे बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं स्केचिंग। दोस्तों, आप सबको पता है कि आप बेसिक से सीख रहे हैं। आप सभी ने पिछले वीडियोस देखे होंगे, उनमें आपने अपनी लाइनें व हैंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेसिक स्टडी की होगी। अब आपको इन सभी एक्सरसाइज से आने वाले वीडियोस में आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि आप बहुत अच्छा और बहुत जल्द स्केचिंग सीख सकेंगे। आज अपन बहुत सिंपल से स्केच करेंगे और सिर्फ आउटलाइन ही करेंगे, यानी कि स्केचिंग ही करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्केचिंग ही करेंगे। कुछ लोगों को पता नहीं होता, वह ड्रॉइंग को स्केचिंग समझ लेते हैं, बल्कि इन दोनों में बहुत अंतर होता है। इन सब को अपन डिटेल से जानेंगे आने वाले वीडियो में, लेकिन आज अपन सिर्फ और सिर्फ स्केचिंग पे ही ध्यान देंगे और एक सिंपल सा स्केच करेंगे। आप देख रहे हैं, मैंने आपके सामने 3 ऑब्जेक्ट रखे हैं और जो कपड़ा दिख रहा है उसको ही ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले जो आपके सामने ऑब्जेक्ट रखा है, या आप जो भी स्केचिंग करेंगे, या जो भी आपके सामने स्केच करने के लिए रखा है, या आप जिसका भी स्केच कर रहे हैं, फिलहाल आपके सामने 3 ऑब्जेक्ट हैं, उनको ध्यान से देखेंगे। उनमें देखना यह है कि वह आपसे कितनी दूरी पे है, इन सब के बीच में डिस्टेंस क्या है, कौन ऑब्जेक्ट किससे बड़ा है, वह इनकी हेल्थ विड्थ जानेंगे। अब उसके अनुसार आपके पास जो सीट है, आप जिस पे ड्रॉ करेंगे उस पे आप उसकी मेजरमेंट निकालेंगे, यानी उन ऑब्जेक्ट्स का उस सीट पे मेजरमेंट निकालेंगे। उसके लिए आपको हल्का हल्का मार्क कर देना है कि कितने दूरी पे आपको बनाना है। मैं आने वाले वीडियो में आपको और भी डिटेल से बताऊंगा, जैसे कि आर्ट के 5 P's क्या हैं, प्रोस्पेक्टिव क्या हैं, शेडोज क्या हैं, आदि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आने वाले वीडियो में अपन स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। अब आपके सामने जो ऑब्जेक्ट रखा है, उसको आपके हाथ में जो पेंसिल है, यानी कि आप जिससे भी स्केच बना रहे हैं, उस पेंसिल से सामने रखे ऑब्जेक्ट को नापना सीखेंगे और नापने के बाद सीट पे ड्रॉ करेंगे। अब आपके सामने ड्रॉ करने के लिए जो वस्तु रखी है, उसका मेजरमेंट निकालने का तरीका देखिए। आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप जहां बैठे हैं आप वहीं बैठे रहेंगे। दूसरा, आप अपने हाथ को सीधा रखेंगे, यानी कि आपका हाथ टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, क्योंकि आपको बारी बारी से सारे ऑब्जेक्ट्स को नापना है, तो आपकी स्थिति वहीं होनी चाहिए। आप वहां से हिल भी नहीं सकते और आपका हाथ भी जिस स्थिति में था उसी स्थिति में होना चाहिए। ऐसा होगा तब ही आप सारे ऑब्जेक्ट्स की साइज सेम निकाल पाएंगे, नहीं तो छोटा बड़ा हो सकता है। आपके हाथ में जो पेंसिल है, उसको आप एक आंख बंद करके, यानी कि आप राइट वाली आंख खुली रखेंगे और लेफ्ट वाली बंद कर देंगे, और आपको एक आंख से ही उस ऑब्जेक्ट को देखना है, और आपके हाथ में जो पेंसिल है, जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है उसके बराबर उस पेंसिल को साइज निकाल लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि मैं जो पेंसिल दिखा रहा हूँ वो प्रोडक्ट से छोटी है, यानी सामने जो ऑब्जेक्ट रखा है उसे छोटी दिख रही है। यह इस वजह से दिख रही है कि मैं जहाँ बैठा हूँ ये वहाँ की साइज़ है, यानी जहाँ मैं बैठा हूँ मैं वहाँ की साइज़ मैं देख पा रहा हूँ, और आप जहाँ देख रहे हैं वो कैमरे से साइज़ है। आपको प्रॉपर साइज दिखाना वीडियो में बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन जैसे मैंने आपको मेजरमेंट करना सिखाया है, आप उसी तरह से इसका मेजरमेंट निकालेंगे, यानी साइज निकाल लेंगे। अब आपने पेंसिल की जितनी बड़ी साइज ली है, उसको सीट पर नापने के बाद 3 times मार्क कर देंगे और ऊपर नीचे हल्का मार्क कर लेंगे। अब बड़े वाले ऑब्जेक्ट की अपन चौड़ाई निकालेंगे, यानी अपन उसको हॉरिजेंटल नाप लेंगे। इसके लिए आपको अपने हैंड की स्थिति वहीं रखनी है और आपकी पोजीशन भी वहीं रखनी है, बस आपकी पेंसिल की स्थिति चेंज होगी और आपको हॉरिजॉन्टल नापना होगा, और नापने के बाद वापस से आप सीट पे 3 times मार्क कर देंगे। अब अपने पास दोनों तरफ की साइज निकल चुकी है, अब इनको हल्का सा लंबी लाइन खींच के मार्क कर लेंगे। आप देख रहे होंगे कि डिब्बे के 2 parts नजर आ रहे हैं, एक बड़ा वाला पार्ट, एक छोटा पार्ट। अब इस छोटे वाले पार्ट को जो थोड़ा डार्क दिख रहा है, उसकी भी अपन साइज निकाल लेंगे। अब इसकी साइज उसी तरह से निकाल लेंगे जैसे कि आपने पहले निकाली है, और उसको भी सीट पे मार्क कर लेंगे। अब अपन दूसरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे, इसके लिए हल्का सा मार्क कर लेंगे। इससे पहले अपन जो अपन ने डिब्बा मार्क करा है उसको हल्का सा ड्रॉ कर लेते हैं। अब जो आप दूसरा ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, गिलास, इसकी भी आप इसी प्रकार से साइज निकाल लेंगे, और साइज निकालने के बाद आप सीट पे उसकी ऊंचाई और चौड़ाई क्या है वो दोनों मार्क कर लेंगे।
तीसरी ऑब्जेक्ट को भी आप उसी प्रकार से इसका मेजरमेंट निकाल के, इसकी साइज निकाल के शीट पे मार्क कर लेंगे। अब मार्क किए हुए हर ऑब्जेक्ट को अपन कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि इसको स्केचिंग से पूरा कर लेते हैं, और आप सिर्फ इसको लाइन से ही कंप्लीट करेंगे। आप इसको शेडिंग नहीं देंगे, डार्क नहीं करेंगे, हल्के लाइन से आप इसको कंप्लीट करेंगे। आप जो बड़े वाला ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, इस पे हल्के से पेंसिल से स्ट्रोक लगा देते हैं ताकि अपन को ठीक से समझ में आए। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि अपना स्केच थोड़ा अच्छा दिखे और आप देख रहे हैं कि आपको भी अच्छा दिखे, यानी यह आपको ठीक से समझ में आए, और शेडो को समझने भी थोड़ी आसानी होती है। अब जो कलर का डिब्बा देख रहे हैं, अब इसको कंप्लीट करते हैं। आपको ये जो लाइनें हैं वो बिल्कुल हल्के हाथ से खींचनी है, जैसे आप मेरे को फील कर पा रहे हैं। इस पे आपको प्रेस नहीं डालना और ना ही दबाना है, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको ड्रॉ करना है। स्केचिंग वैसे बिल्कुल हल्के हाथ से ही होती है, और इस पे हल्का सा स्ट्रोक से शेडो दिखा देंगे। अब जो ऑब्जेक्ट के नीचे जो आप कपड़ा देख रहे हैं, इस कपड़े को भी स्ट्रोक से थोड़ा दिखा देंगे। कपड़े पे जो ऑब्जेक्ट की शेडो आ रही है, इसको हल्के से पेंसिल से स्ट्रोक से कंप्लीट करेंगे, यानी कि हल्के से स्ट्रोक लगा के इसको शेडो को कंप्लीट करेंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने ऑब्जेक्ट की जो लाइनें हैं वो थोड़ी डार्क करी है, वो इसलिए करी है कि ताकि आपको ठीक से दिख सके। स्केचिंग होती है, इतनी मोटी लाइनें करने की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल हल्की लाइनें भी हो सकती है। स्केचिंग में हल्की डिटेल और भी दे सकते हैं, वैसे स्केचिंग में डिटेल देने की आवश्यकता नहीं होती, स्केचिंग सिर्फ बेसिक होता है, उसके बाद अगर आप ड्राइंग करेंगे तो उसमें डिटेलिंग की आवश्यकता होती है। अगले वीडियोस में मैं और भी डिटेल से स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। अब आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत और परफेक्ट स्केच बनकर तैयार हो गया है। इस वीडियो में आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया और क्या सबसे अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि मैं आपको और भी अच्छे से सिखा सकूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में होने वाली स्टडी और भी पावरफुल होने वाली है, बस आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए प्लस क्रिएटिव कुमार।